फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आपके गुलदाउदी प्लांट में लंबे समय तक मार्च अप्रैल तक भी फूल खिले रहें और ये पूरी तरह से स्वस्थ रहे, इसमें किसी तरह की कीड़े ना लगें, तो मैं आज जो आपको बताने वाली हूँ वो आपको इस पर ट्राई करना है, वो टिप्स आजमानी है। ऐसा करने से आपका जो प्लांट है वो लंबे समय तक आपको फूल देगा। ज़रूरी नहीं है ये विंटर प्लांट है तो एक बार फ्लावरिंग करके और इसका ये ख़त्म हो जाएगा, या आप सोचें कि अब इसमें फ्लावर नहीं लगेंगे, तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें डालना बताऊंगी जिससे इसकी दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट होगी और ये दोबारा फ्लावरिंग करने लगेगा। क्योंकि इसे कम से कम एक से डेढ़ महीना फ्लावरिंग करते हो गया है, तो इसमें कुछ फ्लावर्स जो हैं प्लांट में वो सूखने लगे हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि मेरे कुछ प्लांट के जो फ्लावर हैं वो तो पूरी तरह से हेल्दी हैं, अभी सूखे नहीं हैं। ये आप बड़ा गुलदाउदी का प्लांट देख रहे हैं, इसमें अच्छी तरह से फूल आ रहे हैं और अभी ये सूखे नहीं हैं, लेकिन कुछ प्लांट जो हैं उनमें फूल सूखना स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि जो भी सूखे हुए फूल हैं उनको आप प्रून कर दीजिए। यहाँ से थोड़ी थोड़ी सी इसकी कटाई कर देनी है। जब हम ये सूखे फूल हटा देंगे तो प्लांट में जो एनर्जी इन फूलों को सुखाने में खर्च हो रही है वो एनर्जी उसकी वेस्ट नहीं होगी और प्लांट अपनी दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट कर सकेगा। तो पहले मैं एक काम करती हूँ कि इनको सबको हटा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने कुछ सूखे हुए फूल हटा दिए हैं। अभी मेरे प्लांट में फूल सूखे नहीं हैं, तो मैंने जो भी थोड़े बहुत सूखे थे वो हटा दिए। इसके बाद आपको करना क्या है, इसको फुल सनलाइट में रखना है। फुल सनलाइट में रखने के बाद आपको इसमें थोड़ी सी गुड़ाई कर देनी है गमले की मिट्टी में। गुड़ाई करने के बाद मैं बताऊंगी कि आपको कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है जो इस प्लांट को दोबारा से ग्रोथ करने में मदद करेगा और दोबारा से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं गुड़ाई करती हूँ। आप मिट्टी की पहले प्लांट की अच्छी तरह से गुड़ाई कर दें और इसको एक दिन के लिए इसी तरह से छोड़ दें। इस तरह से गुड़ाई कर देनी है। मैं जो आपको बताने वाली हूँ, कुछ दिन पहले भी मैंने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है और देखिए यहाँ से नई ग्रोथ प्लांट में स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, जब हमें नई ग्रोथ लानी होती है तो प्लांट के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कंपोस्ट सबसे अच्छा सोर्स है नाइट्रोजन के लिए। तो हम किसी भी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप गोबर की खाद का कंपोस्ट इस्तेमाल कर लें या फिर आप बर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर लें। तो मैं एक मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट लेने वाली हूँ और इसे मिट्टी में डालूँगी। तो ये मेरे पास बर्मी कंपोस्ट है, जो कि एक मुट्ठी हमको इसमें डाल देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, ये तो नाइट्रोजन के लिए हो गया, तो ये प्लांट हमारा ग्रोथ फिर से स्टार्ट करेगा जब इसके फूल सूखने लगेंगे, तो इसमें नई ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी, नई ब्रांचेज आने लगेंगी और प्लांट फिर से ग्रोथ करने लगेगा। अब बात करते हैं इसमें फूल लाने की। जब इसमें ग्रोथ होने लगेगी तो आप 15 दिन के बाद जब इसमें छोटे छोटे से और नए पत्ते निकलने लगें और ब्रांचेज आने लगें, तो 15 दिन के बाद आपको फिर एक और फर्टिलाइज़र डालना है। वो फर्टिलाइज़र है ये इस तरह से DAP के दाने, क्योंकि इसमें डाई अमोनियम फॉस्फेट, जैसे कि इसका नाम है, थोड़ी मात्रा में इसमें नाइट्रोजन भी होता है, तो आपको एक साथ नहीं डालना है। कंपोस्ट के साथ आप इसको अभी नहीं डालेंगे, पहले कंपोस्ट डाल दें, उसके 15 दिन बाद आप 4 से 5 दाने आपके पॉट के साइज़ के हिसाब से इस तरह से इसमें डाल दें और इसमें डालने के बाद आप पानी दे दें, प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा।